तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरे एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज है 28 जनवरी और है आज रविवार। तो आज भी हमारी छुट्टी है। लगातार 3 दिन से हमारी छुट्टी थी। 26 जनवरी को वैसे बैंक बंद था और 27 जनवरी को चौथा शनिवार था और आज है रविवार। तो आज भी हमारी बैंक की छुट्टी है। ये देखो हमारे पीछे गेहूँ की फसल एकदम हरियाली हरियाली हो रखी है और आज बादल हो रखे हैं। बरसात का सा मौसम लग रहा है। ये देखो मेरे पीछे एकदम बादल हो रखे हैं। ये देखो आज सर्दी भी एकदम से बिल्कुल कम हो गई है। रात को भी नहीं थी और सुबह भी नहीं थी। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 और मेरे को जयपुर से कागज आने वाले हैं बस में, तो वो ले लेने जा रहा हूँ मैं बस स्टैंड पे। अपने बस में कुछ डॉक्यूमेंट आए थे तो डॉक्यूमेंट हमने ले लिए हैं और अभी मैं जा रहा हूँ नवलगढ़। अपने गेहूं क्या को कीड़ा वीड़ा लगा हुआ है, नीचे से एकदम पीले हो गए हैं, तो उनके लिए कुछ दवाई वगैरह लेके आऊँगा नवलगढ़ से। और नवलगढ़ अपने को कुछ डॉक्यूमेंट भी देने हैं, थोड़ा और भी काम है, तो दोनों काम ही साथ हो जाएंगे आज। तो निकल चुका हूँ दादिया स्टैंड से नवलगढ़ के लिए। और नवलगढ़ की दूरी है जो हमारे से पड़ेगी लगभग 13 किलोमीटर। तो नवलगढ़ से आ चुका हूँ मैं वापस घर। भंडार वाले ने ये दवाई दी है, एक तो 10 kg की ये बाल्टी दी है और ये कुछ पैकेट दिए हैं इन्होंने, रिजेंट बोल कर कुछ दवा है, और ये दोनों मिला के साथ में डालनी है, फिर देना है ऊपर पानी। तो गेहूं की अपनी कुछ जड़ें ख़राब हो गई हैं, उनमें कीड़ा वीड़ा लग गया है और वो कलर भी उनका पीला हो गया है। तो लेके आए हैं नवलगढ़ से दवाई। और भावना बना रही है उधर पीछे खाना, तो अभी खाएंगे खाना और फिर नहाएंगे और फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान है, सोचते हैं। तो फाइनली दोस्तों नहा धो के हो चुका हूँ मैं बिल्कुल तैयार। तो दोस्तों दोपहर का खाना वाना खाकर मैं घर पर सो गया था। लगभग 2 घंटे के आसपास अपने को नींद आई दिन में, और 3:30 बजे उठकर घर वालों ने बना दी चाय, तो चाय पी के मैं निकल गया सीकर के लिए। सीकर अपने को महाराजा सूरजमल नगर बाईपास पे ही पड़ता है सीकर से पहले ही, तो वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट देने हैं और कुछ डॉक्यूमेंट अपने को लेने हैं। डॉक्यूमेंट लेने देने का काम करके फिर वापस आ जाएंगे घर। आज आपको छुट्टी है तो छुट्टी का मतलब करेंगे और फिर कल से लग जाएंगे वापस काम पे। इसमें हाथ तो कौन कटे, अपना अब संक्रांत तो गई, पतंग क्यों उड़ा रही है तू? है तो डुगू उड़ा रहा है पतंग। और कल इसकी मामा से डोर लेके आया था, तो मामा की डोर से इसका कट गई एक अंगुली, तो उसके बाद उसको तो इसने फेंक दी। और दूसरी वाली जो सिलाई करते हैं, जो धागा काम में लेते हैं ना, वो धागा ले रखा है इसने और उससे उड़ा रहा है पतंग, और उड़ाने भी नहीं आते इसको पतंग। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ सीकर से घर, और भावना बना रही है उधर सब्जी, गाजर मटर की सब्जी बनाएंगे आज। और ये देखो हमारे खेत की गाजर हैं, प्योर ऑर्गेनिक, इनमें कुछ भी नहीं डाल रखा है, कैल्शियम वेल्शियम कुछ भी नहीं दे रखा है हमने,
एकदम प्योर ऑर्गेनिक है, तो आज इनकी सब्जी बनाएगी बहना। तो डुगू और मम्मी खा रहे हैं अभी संतरा, और डुगू साथ में उड़ा रहा है पतंग। मम्मी मम्मी खाली, तब मैं राम मंदिर देख बा कर जाऊं कितना चाहिए, पर तो टाइम अब तो टाइम ही है, अब टाइम को नहीं आता क्यों ना, कब जानो है ये पर मोड़ है, 5-7 महीना, 5-7 महीना तो बड़ा दिन हो जैसे, बड़ा दिन नहीं जाऊंगा तो क्यों जल्दी को ना, जल्दी क्यों ना, कौन जानो का दिन अब बने है राम मंदिर तो है, जाए पर तो दुनिया और ही घनी भीड़ है, है तो टूट गई तो भीड़ में ही जाए बड़े ना, भीड़ में कौन जाओ, आज ही अंदर से महाराज का सागेड़ा दर्शन करना था। अच्छा, काफ़ी दिनों से मम्मी को बोल रहा हूँ कि मैं राम मंदिर देखने जाऊँगा, लेकिन मम्मी अनुमति नहीं दे रही है, रोज़ मना करती है, भाई नहीं जाना, 5-6 महीने बाद में जाना है, तो बड़ों का तो कहना मानना ही पड़ेगा, जब मम्मी बोलेगी तब जाएंगे राम मंदिर देखने के लिए। तो ये देखो अपने गाजर मटर की सब्जी है बनके बिल्कुल तैयार, मम्मी बना रही है चूल्हे पे बाजरे की रोटी, और ये जो तवा है ये भी मिट्टी का ही है, और माँ के हाथ की रोटी में जो स्वाद है ना वो दोस्तों कहीं नहीं मिलता। अब हम देख रहे टेलीविजन, और अभी डुगू देख रहा है टेलीविजन। हाय दोस्तों, डुगू। तो दोस्तों गुड नाइट, मिलते हैं आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ, नए ब्लॉग में, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे आपसे, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय।